नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल तापोशीष हेल्दी डिशेस। आज मैं लेके आई हूँ मटन कोरमा रेसिपी। यहाँ मैंने आधा किलो मटन लिए हैं और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, एक टमाटर और तेज़पत्ता और मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और लाल मिर्च, ये सारे उपकरण लिए हैं। कढ़ाई गरम हो चुका, अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये 5 फोरन और लाल मिर्च तेल में छोड़ दिए। लाल मिर्च और 5 फोरन अच्छी तरीके से भून चुका, अब इसमें मैं तेज़पत्ता ऐड कर दिए। अब इसमें प्याज भी डाल दिए, सारे प्याज को तेल में छोड़ के अच्छी तरीके से। अब हरी मिर्च, थोड़ा हरी मिर्च दे दिए। अब प्याज को अच्छी तरीके से भून लूँगी। 2 चम्मच नमक दिए, अब धीरे से इसको मैं ब्राउन कलर तक प्याज को भून लूँगी। थोड़ा सा चीनी दिए, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल दिए। अब अच्छी तरीके से टमाटर को भून लूँगी। अब अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिए, अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी धीरे धीरे से। अब सारी मसाला पाउडर, धनिया जीरा और लाल मिर्च पाउडर दे दिए। अब सारी मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें मटन को दे दूँगी। सारी मसाला को मटन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करके अच्छी तरीके से भूनूंगी धीरे धीरे से। मसाला अच्छी तरीके से भून, अब मैं इसमें 2 लहसुन दे दिए। अच्छी तरीके से इसको भून के अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दिए, पानी को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढक के छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद अब मैं इसको खोल दूँगी ढक्कन। मटन पक चुका, अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी धीरे धीरे से। मटन को अच्छी तरीके से धीरे धीरे से पका लिए हैं लो फ्लेम में। अब मैं इसमें थोड़ा सा, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिए। अब गरम मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मटन कोरमा पक के रेडी हो चुकी। मेरी मटन कोरमा रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।